नमस्कार। और दहावे अध्याय विभूति योग तो कल चलता, अपनी ते 13वे अध्याय था। कुठे 10वा अध्याय शुरू है, कुठे 13वा, कुठे 17वा। हे 17 आपलं 13वे अध्यायातला आहे। मागच्या वेळेस एक महत्वाचा श्लोक मी म्हटला था, कारणम गुणसंगस्य सत असत योनि जन्मसु। श्री कृष्णाने ग्रहस्य सांगितलं, प्रश्नाचं उत्तर दिलं एव्होल्युशन, चार्ल्स डार्विन, माकड होता, माकडाचं खाजून 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 असं झालं, आणि शेपटी वापरली नाही म्हणून तसं झालं, आणि मग याचा तो झाला, त्याचा तो झाला। हे तर शरीराचं आहे, ये शरीर का है एवोल्यूशन। हिंदी बोल, हिंदी में कहते हैं, सभी को समझती है हिंदी, मातृभाषा भी है, ना हो तो कहना फिर से मराठी में स्विच हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं 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 ये जो इधर उधर भटकना पड़ रहा है, ग्लानी आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, अच्छा बुरा लग रहा है, टेंशन आ रहा है, ये इसी से है। संग किसका किया? संग दोष। हु डू आई हैंग आउट विथ? किसका एसोसिएशन प्यारा है? किसके साथ रहते हैं? किसके साथ जाते हैं? किसके साथ बैठते हैं, खाते हैं? खाली व्यक्ति नहीं, आंखों से किससे जुड़ते हैं? कौन सा दृश्य देखना पसंद करते हैं? सात्विक दृश्य भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है, अन्यथा दिव्य है। ये तीनों गुणातीत दृश्य भी है। जैसे अ फ्यू डेज अगो ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप आई हैड पुट आउट, अ फास्ट माइंड इज अ सिक माइंड। बहुत तेजी तेजी से जो विचार करता है, ये विचार वो विचार विचार विचार, वो बीमार है, मन बीमार है, स्थिर नहीं हो सक रहा। फास्ट माइंड इज अ सिक माइंड। अ स्लो माइंड, अभी कल ही डाला था, इज अ हेल्थी माइंड। तबीयत ठीक, मन की कैसे पता चले? शांत, थोड़ा शांत हो जाए, धीरे धीरे चले मन। अभी कल परसों क्या? एंड अ स्टिल माइंड इज अ डिवाइन माइंड। और जो स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो सके तो दिव्य मन हो गया। वही मन जो रोगी था वो दिव्य हो गया। जैसे शरीर को रोग होता है, उठ बैठ नहीं सकते, इतनी तकलीफ होती है, धीरे धीरे दवा लेकर के ठीक हो जाता है, सुधर सुधर जाता है, फिर से उठने बैठने दौड़ने ना शुरू हो सकता है, शुरू हो जाता है। ऐसे ही मन की गति है, बहुत तेज इधर उधर, ऐसा उनका क्या चल रहा है, इनका क्या चल रहा है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये बीमार मन है, थोड़ा छाट छूट करे। वो एक बार कथा बताई थी, 100 के कर दे 60, आधा कर दे काट, 10 देंगे 10 लेंगे, 10 के जोड़ेंगे हाथ। मतलब क्या? 60 मन, अगर मन चाहता है 100, 100% मन चाहता है ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, तो पहले उसे कहना है, अच्छा मैं 60% देता हूँ मन, तेरे को जो देखना है, तेरे को जो खाना है, तेरे को जो सुनना है, ऐसा करना, थोड़ा डिस्काउंट देना, छाट छूट, थोड़े तेरी 60% तेरी, 40% मेरी, 100 के कर दे 60। और जब 60 पे आ जाए, धीरे धीरे कुछ दिन बोलना, अच्छा आधा कर दे काट, अभी पार्टनर हो गया ना तू मेरा, मन से कहना, अब तेरा आधा मेरा आधा, आधा तेरे तू कहता वो खाएंगे, आधा मैं कहता वो सैलड भी खाएंगे, रसगुल्ला भी खाएंगे, थोड़ा वो टीवी सीरियल भी देख लेंगे, थोड़ा रामायण महाभारत भी देख लेते हैं। तो 60 का आधा कर दे काट, मतलब 30% हो गया। वो कुछ दिन चलते धीरे धीरे, ये स्लोइंग डाउन द माइंड, सिक माइंड को सुधारे कैसे? पथ्य पानी, मराठी में बोलता पथ्य है ना, विधि निषेध आता है,
हमारे शास्त्रों में विधि मतलब क्या करना चाहिए और निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए। उसमें कहा विधि तो ठीक है, विधि से होगा तो बोला कि पहली पहला जरूरी निषेध, जो नहीं करना है वो नहीं करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो नहीं देखना है, जो नहीं खाना है, जहाँ नहीं जाना है, जो नहीं सुनना है, जो नहीं करना है, वो पहले सामने रखना चाहिए। राइट डायरेक्शन में जाना है, कौन से डायरेक्शन में जाना है, जीपीएस रास्ते पे, वो सब तो हो जाएगा, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन नहीं जाना है पहले, नहीं तो ज्यादा लंबा नहीं जा पाएंगे, 100 मीटर जाके क्रैश हो जाएगा। पहले खबरदार रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं जाना है, और राइट डायरेक्शन कौन सी पता नहीं, वो धीरे धीरे बता देंगे लोग, उधर जाना लेफ्ट राइट मिल जाएगा, कोई पूछते रहना, ओपन माइंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, पूछना बताने वाले मिल जाएंगे। आस्क एंड यू शैल रिसीव सेड जीसस क्राइस्ट, पूछो तो मिल जाएगा। लेकिन इतनी अकल तो रॉन्ग डायरेक्शन नहीं जाने वाली, उसको मत करना। तो वो निषेध के लिए अभी मैंने ध्यान के समय ऋग्वेद के तृतीय मंडल का जो श्लोक कहा था, वो देवता बनेंगे तो बनेंगे, लेकिन पहले राक्षस नहीं बनना है, इतना काम कर ले मनुष्य योनि में। तो धीरे धीरे स्वर्ग जब जाएंगे, वो क्या कह रहा था वेद पुरुष, जो स्वर्ग जाएंगे जब, जो ठीक है, इधर स्वर्ग को क्यों नहीं लेके आते, स्वर्ग को इधर ला सकते हम, अपन अपने जीवन में अनुभव कर सकते स्वर्ग का, नहीं तो वो उधारी का क्या पता नहीं किसने लिखा, क्या कहा, क्या क्या कहा कैसे, लेकिन अभी इधर हो सकता है अनुभव। तो निषेध को सामने रखना चाहिए, नहीं मतलब नहीं, लेकिन इतना नहीं होता एकदम जल्दी, इसलिए फिर 100 के कर दे 60, आधा कर दे 60, फिर वो 30% पे आ गया धीरे धीरे। अच्छा भैया 10 देंगे, 10 लेंगे, चल 10% तेरा करते हैं, 10% मेरा करो, वो बाकी बचा 10%, वो बाद में विल रिजॉल्व इट लेटर, पहले तू भी मजा कर, मैं भी मजा करता हूँ अपना अपना मन को, फिर अभी 10% धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से मन नियंत्रण में आ सकता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अनुसार, नहीं तो घसीटे जाएंगे। घोड़े की लगाम पकड़नी होती है, पूंछ नहीं पकड़ते घोड़े की, ऐसे मन जिधर ले जाए उधर चलने लगे, जो सामने लग गया सीरियल वो देख लिया, जो रख दिया वो खा लिया, जो चल रहा है वो सुन लिया। विधि करे ना करे, बने ना बने, उतनी शरीर यष्टि हो ना, उपवास ये वो नहीं हो सकते, ये खाना वो खाना, लेकिन नहीं खाना वो तो कम से कम उसको छोड़ना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा था कि ये तो अनुभव जो आते हैं बुरे अनुभव होते हैं, बुरे योनियों में जाते हैं, बुद्धू बन जाते हैं, समझ नहीं होती, जड़ बुद्धि हो जाती है, मनुष्य होकर जड़ बुद्धि होती है वो, क्योंकि संघ वैसा किया, फिर संघ वैसा किया तो वैसा हुआ, तो फिर संघ ऐसा किया तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, इतनी सीधी बात है। जो वेद पुरुष ने कहा, ऋग्वेद की वल्ली सुनी, हम भगवान भगवान तो नहीं कहा उन्होंने, देवता कहा, हम देवताओं जैसे हो, देवता हम जैसे अगर हो सकते हैं तो हम भी देवता जैसे हो सकते हैं। भगवान की बात अलग है, भगवान के विषय में कल कहा था, माधवी और अपर्णा को थोड़ा सा रिपीट होगा, लेकिन शायद इसका उल्लेख करना चाहिए। दो प्रकार के भगवान की बात कही थी कल के सत्र में, दो भगवान है और दो संसार है, ये अलग ही बात है सुनानी, तो दो संसार गीत, संसार सब एक है और दो भगवान है, दो भगवान ने दो संसार बनाए हैं, ये अपना चॉइस है कौन से भगवान को पूजना है और कौन से संसार में रहना है। एक भगवान ने बाहर का संसार बनाया, दूसरे भगवान ने अंदर का संसार बनाया। वो बाहर वाला जो भगवान है जिसको हम कहते हैं राम है, कृष्ण है, हरि है, इतनी विलक्षण सृष्टि बनाए, इसमें से क्या बना सकते हैं हम, वो कथा बताई थी एक बार, साइंटिस्ट बहुत बड़े में बड़े साइंटिस्ट आके बोल के बस रोबोट बना लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चैट जीपीटी आ गया, एवरीथिंग, वी आर एज गुड एज गॉड, कंप्यूटर बनाते हैं, चिप्स बना लेते हैं सब। तो बोला आ जाओ भगवान नीचे उतरो, बैठते हैं आमने सामने, तुम जो बना सकते हो वैसा हम भी बना सकते हैं,
वो विश्वामित्र ने बनाने का प्रयास किया था, खोपड़ी बना दी थी ना, वो आधा ही रह गया, खोपड़ा ही बन गया, आदमी मैं भी बना सकता हूँ कह रहा था। ब्रह्मा जी से स्पर्धा कि तुमने मनुष्य बना, हम भी मनुष्य बना सकते हैं, तुम तो मनुष्य से मनुष्य नहीं, तुम झाड़ कर पेड़ को टंगा देते, मनुष्य निकलते हैं बनाने लग गए, तो वो तो वहां तक तो बन गया, देखो दो दो आंखें है, नाक है, सब, उसके आगे कैसे जाए पता नहीं चला, तो वो दरवाजा ही टंगा है नारियल रूप में दिखता है, उसको खोले तो खोपड़ी जैसा दिखता है, अंदर में भी वो ब्रेन जैसा माल भरा, अंदर में लिक्विड ब्रेन में होता है वैसे, लेकिन उधर तक ही लटक गया। ऐसे ये साइंटिस्ट कह रहे थे, आ जाओ चलो अब तुम बनाते हो ऐसे, हमने अब रोबोट्स बना दिए, तो तुम्हारा काम करता है उससे ज्यादा ये काम करता है, तुम्हारे आदमी को जितनी अकल है उससे ज्यादा इसको अकल है। आ गए भगवान प्रभु, क्या अभी आदेश हुआ था, तो बैठ गए बीच टेबल के, इधर भगवान इधर आदमी, ले चलो तुमने बोला बाइबल में लिखा है मिट्टी से बनाया मैन, वॉज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, सॉयल से मिट्टी से आदमी को बनाया, तो ये देखो ये ढेर मिट्टी का तुम्हारे लिए रखा है और ये ढेर मिट्टी का हमने रखा है, अब तुम भी बनाओ हम भी बनाते हैं और दिखाते हैं हम भी कैसे हैं। तो भगवान मुस्करा के कहते एक एक सेकंड खाली, अरे अच्छा क्या, अपनी मिट्टी अपन लाओ, तुम बोलते ये तो मैंने बनाई हुई मिट्टी है, तुम जिस मिट्टी से जो भी बना रहे हो ये मिट्टी तो मैंने बनाई है ना, तो आई विल कम्पीट विथ यू, यू ब्रिंग योर ओन सॉयल, यू ब्रिंग योर ओन डर्ट। अब ये तो सोचा ही नहीं था ये मिट्टी कैसे कहाँ से बना है, तो ऐसा भगवान ध्यान के समय जैसे क्या उसका प्राधान्य दे करके, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, तो थोड़ा संभाल के धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरज सब का मित्र है, करी कमाई मत खोए। यहाँ तक आ गए ना, भारत भूमि में की मिट्टी में जन्म हुआ, हिंदू धर्म में जन्म हुआ, सुसंस्कृत है, माता पिता के आशीर्वाद है, बहुत प्रगति हो गई, बहुत उन्नति हो गई, भगवत गीता के वचन, आस्था है सबसे बड़ी बात, भगवान में विश्वास है कि कोई होगा कुछ, किसी ने तो ये बनाई होगी, सबसे बड़ी धरोहर, बिगेस्ट ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ फेथ श्रद्धा, तो इतना हो गया मतलब 90% हो गया काम, एक करी कमाई मत खोए, दी स्लोइंग डाउन टू गेट देयर फास्टर, एज आई टेल माई सन, स्लो डाउन इफ यू वॉन्ट टू गेट देयर क्विकर, फास्ट जाएगा तो अटक जाएगा बीच में कहीं। सो दो भगवान ने दो सृष्टि बनाई, ये भगवान ने ये वाली सृष्टि बनाई विलक्षण, और ये वाले भगवान ने अंदर वाली सृष्टि बनाई मन की सृष्टि, मन में भी संसार है, सब कुछ है, सपने में दिखाई देता है, अच्छा डे ड्रीमिंग में इधर बैठे उधर का विचार कर रहे, दिल्ली में जाएंगे तब ऐसा करेंगे, ये उनको बोल देंगे, नहीं तो उस होटल में ये होटल में, इधर बैठे उधर संसार बन रहा है, देख रहे हो बाहर वाले संसार की ओर, अंदर में संसार चल रहा है, उनको जब जाएंगे हम, जब ये वाली पर्स अच्छी लगेगी ये खरीद लो वो खरीद लो, तो हो गया संसार चालू, तो वो भगवान बना रहा है तो अपन भी तो बना रहे हैं, वो भी भगवान है ये भी भगवान है, लेकिन वो सच्चा संसार बना है, झूठा संसार बना रहे इस प्रकार से, तो उस संसार से नहीं भागना है, बाहर वाले संसार से भाग नहीं सकते, कहते वैराग्य करना है, संसार का त्याग करना है, थोड़ा विरक्त हो जाना है, उस संसार से कैसे भागेंगे जिस संसार की हवा ले सांस लेके जी रहे हैं, तो हम उससे भागे तो भी हवा तो उसी के अंदर आ रही है, उसी की जमीन पे तो बैठे हैं, कौन सी भी जमीन पे जाके, इधर जाने तो हिमालय की गुफा में जाके बैठे, वो तो संसार की है, उसी के आसमान की छत के नीचे है, उसी की हवा बह रही है, उसी का जल पी रहे हैं, उसी की अग्नि लेकर बैठे हैं, तो उसके संसार से कैसे और कहाँ भागे, भागना ही नहीं है, संसार उसका संसार बनाया सुंदर है अच्छा है हमारी सहायता के लिए है, ये भगवान ने जो अंदर में उन्हें बना के रखा है संसार उसको छोड़ना है,
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वाला विचार आचार ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा सब इसका त्याग करना है। नहीं तो भगवान ने कहा था का अदरवाइज कारण वो है गुणों का संग। जो सात्विक संगति रखेगा अच्छाई की, और उसके अगली योनि अगला जन्म वेरी वेरी फेयर एंड इक्विटेबल, न्याय प्रिय है भगवान। ऑलवेज डज वॉट इज राइट, ये चाहता था उधर जा, हड्डी मांस खाना था तो कुत्ता बन जा, फ्री में मिल जाएगा, डाल देंगे तेरे सामने कोई बटा रहेगा मस्त, हड्डी चबाते चबाते वही खाना था तल्ले। तो इसलिए सावधान, ये कानों पर विचार आए हैं, अपना चॉइस अपना क्या करना है, ग्रहण क्या करना है इंद्रियों से, वी डू हैव द चॉइस। तो वहां पर पिछली बार रुके थे, सो जस्ट टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक, सो वी स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। एंड ऑफ कोर्स वी हैड गॉन थ्रू द उपदृष्टा हनुमंता च एज वेल। सो य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। सो 23वां श्लोक 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ना, ये फिर से जस्ट फॉर रेफरेंस, दिस इज ए टेक्निकल एंड ज्ञान प्रधान अध्याय। जो संवेदनशील हृदय प्रधान होते हैं उनके लिए इसके पहले वाला हो गया 12वां अध्याय भक्ति योग। और वो जो कहते तार्किक होते, नहीं नहीं आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट, शो मी द मनी, उसके पहले 11वां अध्याय हो गया विश्व रूप दर्शन योग। और जो कंफ्यूज है वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, ये कैसे वो कैसे, उसके लिए उसके पहला वाला अध्याय है 10वां विभूति योग। ये 13वां चल रहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, कैटेगरी विभाग मतलब कैटेगराइज्ड, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फील्ड एंड द ऑब्जर्वर। जो घटना घट रही है और जो साक्षी जो देख रहा है, ये दो एक नहीं है, अलग है। जैसे व्यक्ति पुरुष और उसकी छाया साथ में तो चलती है लेकिन एक नहीं है, एक में एक दमदार है दूसरे में कोई दम नहीं है। ऐसे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञा ज्ञा मतलब जानना, ज्ञान जानने वाली कौन है, इतने सुंदर फूल इतना सुंदर पंछी, ये टुकड़ टुकड़ आंखों से देखने वाली स्त्री नहीं है, स्त्री का शरीर वो तो पुरुष भी देख रहा है, सभी देख, कुत्ता भी देख रहा है, आंखों से कैमरा से जो अंदर जा रहा है वो सोचने वाला कौन है उसके अंदर, आत्मा। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, अष्टावक्र मुनि कहते जनक राजा से, साक्षी जो है ज्यों का त्यों रहता है, इसको याद रखना, साक्षी ज्यों का त्यों। तुम साक्षी हो, विटनेस हो, रोग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, कोई बिगड़ जाए, कोई चिढ़ जाए, नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए, कोई गले में फूलों का हार डाले नहीं तो चप्पल का हार डाले, कोई प्रेम से सिर से हाथ घुमाने तो दो तमाचे लगा दे, तुम साक्षी हो, साक्षी ज्यों का त्यों। अष्टावक्र मुनि कहते विभु है, सर्वत्र व्याप्त है, संपूर्ण है, खंड 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 में बटा हुआ नहीं, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा, अखंड है। वो बड़ी सुनामी की लहर हो गई, 40 फुट ऊपर गई, नहीं दबाक से नीचे गिर गई, अतः छोटी छोटी शांत समुद्र पर लहरें हैं, तो सागर को कोई फर्क नहीं है, बड़ी है या छोटी है, सब उसी की है, सब उसी में है, सब उसी से है, सब वो ही है। साक्षी वहां से जो देख रहा है, तो इतना भी सूत्र आज पकड़ लिया, साक्षी ज्यों का त्यों, आई एम द विटनेस, आई एम द ऑब्जर्वर, मेरे साथ नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि संग हो गया, भगवान ने भी किया, चिपक गया उसको, कैट एसोसिएट हो गया उसके साथ, अपना मान लिया, हाँ ये मैं ही हूँ, मेरे को तमाचा लगाया, शरीर को तमाचा लगाया, मेरे को तमाचा लगाया, मैं शरीर कहाँ हूँ, मैं अगर शरीर होता तो पता चलता कहाँ से आया इसको, ये आया किधर कहाँ से,
इसके राख हो जाएगी तो पता रहेगा क्या ऐसा क्यों हो गया। मैं नहीं चाहता मर जाऊं, रख सकता हूं क्या अगर मैं हूं तो। तो एक क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग, इसलिए दिस इज अ क्लैरिफाइंग चैप्टर अगेन अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य, वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट चैप्टर्स ये व्यास जी ने लिखे जो ब्रह्म सूत्र है उससे मिलते जुलते इसमें जो विचार है जिसमें आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, गुरुओं के गुरु जो है व्यास, जिनके नाम नाम से व्यास पूर्णिमा को सब सब गुरु ऐसे समझ सकते हैं, व्यास सब गुरुओं के गुरु, उधर सी से सब किसी भी गुरु पर हम ये गुरु को मानते हैं, हम वो गुरु को मानते हैं, हम वो अपने गुरु वाले गुरु नहीं वाले ये छोड़ो, सब गुरुओं के एक सरताज मेन गुरुओं का बाप व्यास, उन्होंने जो लिखा व्यास मुनि कृष्ण के अवतार वांग्मयीन अवतार समझे जाते हैं भगवान के प्रमुख मुख्य परंपरा, उससे मिलता जुलता ये सब यहाँ पे जो है भगवद्गीता में ये जो जानते हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार के कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं कर फिर नहीं जन्मता। सो देन एक्सिक्यूटिंग द टास्क डिलीवरिंग व्हाट मस्ट बी डन, जो करना आवश्यक है वो कर्तव्य समझ के करना, चिपक के नहीं, आसक्ति से नहीं। और चुटकुला फिर से, आसक्ति क्या, आसक्ति मतलब जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, एक बार आ जाएगी तो बैठ जाएगी मैया, इसलिए सावधान, ज्यादा आसक्ति मत करना। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था मन में बार 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 जिसका विचार करेंगे वो धीरे धीरे अच्छा लगने लग जाएगा उसके विषय में विचार करना, और फिर अपने आप ही फिर उधर मन अटक जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा तो बुद्धि सम्मोहित हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, उसी उसी में घुसी रहेगी, ऐसे श्रृंक होते जाएगी और इवेंचुअली डिस्ट्रॉय डिग्रेड हो जाएगी बुद्धि। आदमी होके मनुष्य होके कुछ समझेगा नहीं फिर, मेरा भला किसमें है किस क्या है, ये शुरू में ही भगवान ने चेतावनी दे दी थी गीता के, इसलिए ज्यादा संभाल के रहना है, बहुत ज्यादा मत चिपकना किसी व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को, देश को, काल को, अपने मूलोकन, मेरा धर्म, मेरा गुरु, मेरा ये गुरु की बात अलग है, अगर गुरु में सचमुच में भगवान की भावना कर सकते हैं, यथा देवे तथा गुरु इसे आता है शिव गीता गुरु गीता में, तो फिर कोई मुसीबत नहीं। अन्यथा शरीर रूप में अगर गुरु मानते हैं कि ये तो शरीर है, इनके चरण स्पर्श है, इनकी मिट्टी इनका, तो फिर उधर से भी समय लगेगा लेकिन धोखा हो सकता है। धोखा कैसे, पूर्ण प्राप्ति नहीं, वो वाला धोखा, आधी पद, हाँ अच्छा लगता है, शांत लगता है, सत्संग में जाते हैं तो उधर बैठते तो बहुत 3 दिन मस्त, अच्छा जल्दी वापस आते तो फिर क्या होता है, परमानेंट होना चाहिए ना, जो मिला वो परमानेंट मिलना चाहिए। परमानेंट प्राप्ति भगवान से ही होती है, ऐसी बुद्धि अगर गुरु में हो सकती है, मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर, क्योंकि मनुष्य रूप में भगवान ने उतनी ही शक्ति, उतना ही सामर्थ्य, उतना ही तेज हर मनुष्य में दे रखा है, ये भगवान ने खुद कह रखा है इसी भगवद गीता में 10वें अध्याय में हुआ था, इसलिए बहुत वस्तु व्यक्ति स्थिति परिस्थिति देश काल पात्र ऐसा वैसा बहुत ज्यादा नहीं चिपकना, एक्सिक्यूटिंग कर्तव्य भावना से डिलीवरिंग, यहाँ पे भगवान इस अध्याय में कहते हैं ऐसा करे तो फिर वो चिपकता नहीं। सर्वथा वर्तमान भी सब प्रकार से कर्म करता हुआ जो जरूरी है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष केवल, न सब भूयो अभिजायते, पकड़ा नहीं जाता फिर माया के बंधन में, पकड़े नहीं जाते, बिंदास फर्स्ट क्लास जीवन होता है फिर, ऐसा जीवन होना चाहिए ना, हो सकता है चॉइस बिंदास जीना चाहिए मस्त
फर्स्ट क्लास। क्यों सिकड़ सुकड़ के रोते रोते थप्पड़ मार मार के अपने आप को कोसते हुए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्या है, क्यों चाहिए? ऐसा जीने के लिए नहीं भगवान ने बनाया होगा शायद अपने को ये सृष्टि। हमारे अंदर से वो अनुभव ले रहा है ना, उसको क्या ऐसे बद्दे अनुभव नहीं लेने हैं बोरे? उसको तो सुंदर अनुभव लेने होंगे। वो पागल भगवान नहीं है, बुद्धू नहीं है, बुद्धिमान है भगवान। तो दिस इज अ मैटर ऑफ चॉइस। इतना आसान है, और क्या भगवान इससे क्या आसान हो सकता है? यथेच्छसि तथा कुरु, ये 18वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे, आखिरी वचन भगवान के, आखिरी इंस्ट्रक्शन, आखिरी शब्द तो नहीं है, आखिरी शब्द प्रश्न रूप में है। बड़ा रहस्य है भगवद गीता, जब भगवान बात करना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय में, पहला मुंह खोलने के बाद पहला प्रश्न है रूप में पहला, और जो बंद करते पोथी, चल अभी सब हो गया, अभी इससे आगे कुछ नहीं कहना है मेरे को, तो वो आखिरी शब्द भी प्रश्न रूप में है। लेकिन यथेच्छसि तथा कुरु इट इज एज इफ इज लास्ट इंस्ट्रक्शन। क्या है लास्ट इंस्ट्रक्शन? फाइनल इंस्ट्रक्शन, फाइनल आदेश, फाइनल सलाह क्या है भगवान की? तेरे को जो करना है वो कर। यथा इच्छा असि तथा कुरु, जैसी इच्छा है वैसा कर। अब क्या कर, इतना आसान कर दिया भगवान ने। अभी कौन से बॉस ने इतना, कौन से टीचर ने, कौन से माँ बाप ने इतना आसान कर दिया था? तो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, कौन से भगवान को पूजना है? वो बाहर वाले भगवान के अपने मन रूपी भगवान है, जो इधर वाला संसार बना उसने, कि इधर जो कचरा पट्टी जमा हो रही है उसके, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। और बुल्ले शाह नाम के एक संत हो गए, वो बॉबी सिनेमा में जो बुल्ले शाह ये कहंदा, क्या कहंदा बुल्ले शाह, प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, जिस दिल में दिलबर रहंदा, जिस पलड़े में तुले मोहब्बत मतलब प्रेम, पलड़ा मतलब तराजू, जिस तराजू में तुले मोहब्बत प्रेम, उसमें चांदी नहीं तोलना, पैसे के साथ नहीं प्रेम की गिनती करना। वो बुल्ले शाह एक वो ऐसे ऐसे महात्मा थे यहाँ पर, जो क्या सर्वथा वर्तमानोपि न सब भूयो अभिजाय थे, जो काम करना जरूरी करते रहते थे, चावल अफगानिस्तान के माउंटेन रेंजेस पे, वो स्लोप्स पे जो चावल होता है, चावल वाली खेती करते थे, पानी जिधर आता है उस साइड में, रेन शेडो वाले नहीं दूसरे वाले, जिधर पानी आता है। तो उनके शिष्य गए कि बहुत कैसे ईश्वर प्राप्ति हो, खुदा को कैसे, खुदा की कैसे प्राप्ति करे? तो उस समय वो चावल कैसे करते, थोड़ा लगाते पानी में और वो थोड़ा हो जाते, फिर उसको उठा के बाद में फिर मिट्टी में डालते हैं, चावल को अलग लगाते ना, एकदम चावल नहीं डाल देते जमीन में, नहीं उगता, फिर उसको पहले बहुत ज्यादा पानी में, फिर वो हो गए उसको बुल्ले शाह इधर से निकाल रहे थे और उधर डाल रहे थे, रख रहे थे क्या पानी वाला थोड़ा सा पौधा निकाल के, फिर वो मिट्टी वाले खड्डे में डाल रहे थे, इधर से फिर से निकाल रहे थे उधर डाल रहे थे। तो उसे से आके दिमाग खाने लगा, वो खुदा की प्राप्ति कैसे, खुदा लेना है, क्या करना, क्या करना चाहिए क्या? तो बुल्ले शाह कहते देख, इधर का इधर रखना है बस, तो मतलब ये जो इधर है इसको उठा के इधर रखना है, इधर के पानी में है उधर से लेकर के इधर के खड्डे में डालना, बस इतना आसान है, इतना करना है। नहीं समझे? फिर समझा। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये तो स्क्रू स्क्रू ने, ये दिमाग का स्क्रू, इसको आधा घुमाना है बस टाइट करके दिमाग ठीक होने के लिए, तो एकदम अचानक भगवान का अनुभव होने लग जाए, दिखाई देने लग जाए, विश्व रूप कनेक्टेड दिखाई देने लग जाए। मैटर ऑफ चॉइस, इधर जो खोपड़ी इधर 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 जाती है उसको इधर 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 भेजना है, इसके लिए थोड़ा सा सराव करना पड़ेगा, थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को बचाना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा निग्रह करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और एक बात को अनकॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़ेगा, नहीं अभी ईश्वर प्राप्ति ही करनी है,
तो हो सकती है, भगवान ने बोल के रखा है, संतों ने कहा, आज अभी इस समय भारत में संत है जो ईश्वर प्राप्त कर चुके हैं और जो कह रहे लोगों को दिला रहे हैं। तो हमें वही वही शरीर हमें भी प्राप्त हुआ, ये मनुष्य शरीर में ही संभव है, स्त्री के लिए संभव नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इसके उल्टा लिखा है, स्त्री के लिए भी लिखा है भगवद गीता में कई बार, 9वें अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र, सबके नाम, ब्राह्मण हो, राजा हो, भगत हो, पुरुष हो, स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, सबके लिए प्राप्ति संभव है। और मेरे अनुभव में तो स्त्री के लिए शायद ज्यादा आसानी से प्राप्ति है, मैंने जितना देखा है, ऑब्जर्व किया, क्योंकि संवेदनशील है, सेंसिटिव है, बिलीविंग है, बिलीवर है इस, तो लेकिन स्त्री के लिए तो पुरुष के लिए संभव नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, जो है उसके लिए संभव है, थोड़ा विधि थोड़ा निषेध। गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है, थोड़ा ब्रेक भी लगाना पड़ता है, खाली एक्सेलरेटर वाली गाड़ी दे दी, लगा चलाओ, फ्री में दे दी, कोई नहीं लेगा वो गाड़ी को, अरे सबसे बढ़िया गाड़ी देते रहेगा, इससे कीमती गाड़ी नहीं है वो, बहुत तूफान भागती है, इतनी कि इसको ब्रेक भी नहीं लगाया, एक्सेलरेटर है खाली, ले, कोई नहीं लेगा उसको, फ्री में भी नहीं, क्यों नहीं भैया, ब्रेक चाहिए, और खाली ब्रेक वाली गाड़ी वो भी नहीं चाहिए, काम की नहीं, किधर जाएगी नहीं, चलेगी नहीं, एक्सेलरेटर भी चाहिए और ब्रेक भी चाहिए, तब बराबर जिधर चाहिए उधर जाती है, जिस ऐसे विधि और निषेध है, संयम की ब्रेक भी चाहिए, तो ड्राइवर जैसे अकल लगा के जिधर रोकना है उधर रोकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे जीवन में अपने हमारे हाथ में अपना स्टीयरिंग व्हील, तो ये बात संभव है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, इस प्रकार जो ये गुण सात्विक राजसिक तामसिक, इसका विश्लेषण और डिटेल में अगले अध्याय में आता है, क्योंकि अभी बीच बीच में भगवान गुण गुण कह रहे हैं, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, फिर अभी कहा प्रकृतिम च गुणैः सह, ये कंफ्यूजन हो सकता है, या तो फिर ज्यादातर लोग आगे निकल जाते हैं, अच्छा हाँ भगवान ने कहा गुण गुण, तो ये क्या गुण मतलब क्या होता है, गुणों का संग मतलब, इसलिए इसको पूरा अध्याय डिवोट किया, इसके अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, आई वुडंट से द मोस्ट फेवरेट, लेकिन डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स, आई जस्ट रियली लव इट, इट हैज हेल्प मी ए लॉट, 14th चैप्टर हैज हेल्प मी मोर देन द 13th चैप्टर, एंड टू बी ऑनेस्ट 14th चैप्टर हैज ऑल्सो हेल्प मी मोर देन द 15th चैप्टर, कि 15वें अध्याय का तो बहुत ही महत्व है, सब पंडित जिधर देखो उधर 15वां अध्याय 15वां अध्याय 15वां अध्याय कहते रहते, अश्वत्थमेनम सुवीरण मूलम असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा न तद्भासये ते सूर्य, ये जोर जोर से पंडित कहते रहते, न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, मंदिर में जाए अभिषेक में करे, कोई मर जाए उसके सामने भी वही कहते हैं, 15वां अध्याय पुरुषोत्तमी पुरुषोत्तमी, बहुत अच्छा है, प्रभावशाली और जोरदार है, महत्वपूर्ण भी है, कि मेरे को उससे ज्यादा फायदा हुआ 14वें अध्याय से, क्योंकि क्लैरिटी की जरूरत थी, 15वें अध्याय से विश्वास दृढ़ हो सकता है, इसलिए बस अच्छा है, क्लैरिटी भी चाहिए, ढंग से समझना चाहिए कैसा है, हाँ ओ 14वें अध्याय, इसलिए मेरे को 13th और 15th दोनों से ज्यादा, शंकराचार्य ने कहा कि 13th चैप्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, वो तो महात्माओं के महात्मा है, मेरी क्या औकात है उनका कुछ बात को टालने के, लेकिन इतना तो है कि मेरी अकल अपनी अकल है, उसको ज्यादा फिट हुआ 14वां अध्याय, हो इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे लिए भी शायद, इसलिए क्लेम क्लेम योर स्पेस, तुमको भी बनाया है भगवान ने, अपने को भी अकल दी है भगवान ने,
अपने को गधा नहीं बनना कि छोड़ा कि दो, जब शंकराचार्य आकर के नहीं तो और कोई आकर बांध दे, उधर ही रहना, उनको वंदन करना, प्रणाम करना, सम्मान करना, पूजा करना, अभिषेक करना, सब करना, सचमुच में सच्चे मन से करना, प्रामाणिकता से, लेकिन अपनी अकल को भी अपने लिए उपयोग करना। वो मना नहीं किया शंकराचार्य ने, कभी नहीं, कहीं नहीं कहा अपनी अकल को बंद रख, है ना, वो तो उसके उल्टा थे। तो सचमुच में महात्मा वो चेतन कोटि के महात्मा, तो अपनी अकल उपयोग करने में दूसरी की अकल का अपमान नहीं होता। तो भगवद गीता पढ़ते समय अपनी अपनी अपने अपने जिधर लीज, नहीं तो भगवान ने 18 दिन पैदा किए होते थे। तो इस्लाम धर्म में क्या था, यकीन, ये माँ ये कह दिया, चुप बैठ, मान ले बस, आगे निकल। इधर ऐसा नहीं है, प्रश्न उत्तर है, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या तो वो क्या तो ऐसा क्यों, जिसको अलग अलग हर एक को अलग अलग जगह से बात से समझता है। तो अपना अभ्यास करे, अभ्यास है अपि समर्थो उसी, गीता में कहते हैं अभ्यास से तू समर्थ होगा, प्रैक्टिस करेगा तो परफेक्ट होगा। जो उपलब्धि है भगवान कृष्ण में, आस्था है, गीता उपलब्ध है, और अपने पास अकल है, अभी समय है, पढ़ सकते हैं, शांत बैठ के विचार कर सकते हैं, तो ये संपूर्ण सामग्री है प्राप्ति की, ईश्वर प्राप्ति की। बस इतना ही है, भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा करो, इस सामग्री को वो इस अंदर वाले संसार को बढ़ाने में उपयोग करना है, ये संसार की ओर देख, संसार पति जो है त्रिलोकपति के दर्शन के लिए। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद् आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इसके पहले जो श्लोक हुआ, जैसे हवा बहती है ना, तो धुआं लेके जाती है, कोई बदबू, कोई कुत्ता मर गया तो उस बदबू ले जाती है, अथवा कोई धूप बत्ती चल रही है, कपूर रखा होगा तो वो सुगंध, परफ्यूम या अगरबत्ती का सुगंध ले जाती है, कोई जल गया तो उसका हवा सब लेके जाती, लेकिन हवा को नहीं, कोई वो लेके जा रही है लेकिन वो छूट जाएगा, उसके बाद हवा फिर से शुद्ध है। पावक का नाम है उसका संस्कृत में, पावन करने वाली, जल को भी कहते हैं, पवित्र करता है, पानी से धो लेते हैं, वो लेके जब बह के जाते लेकिन खुद शुद्ध रहते हैं। ऐसे ही ये यहाँ पर जो कहा था कि सर्वथा वर्तमान, अभी सब कार्य जो करने पड़ रहे हैं अभी सामने, लेकिन अंदर में नहीं चिपकती वो, फिर ग्लानि नहीं आती, बुरे विचार नहीं, बुराई नहीं मन में घुसती, ये संभव है। एक खाली किताबों की बातें 5,000 साल पहले होता होगा, ऐसी बात नहीं, अभी के लिए है, सनातन है, सनातन मतलब राइट नाउ, फ्रेश, रेलेवेंट है, अभी के लिए है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, पश्य अंति, पश्य मतलब देखना, अंति अंत में देख लेते हैं, ध्यान द्वारा आत्मनि अंदर में। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं आत्मा, मराठी में आत मतलब अंदर, और मां संस्कृत में मैं होता है, आत्मा अंदर मैं हूं शब्द का अर्थ, और वास्तविक में वैसा ही है। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, इसलिए मैं बार बार पीछे पड़ जाता हूँ ना, पागल कुत्ते के नहीं कहते, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, बस इतना ही फॉर्मूला है, सुबह ये गोली लेना, शाम को ये गोली लेना, बस इतना ही प्रिस्क्रिप्शन है, बाकी जो खाना खाओ, क्योंकि क्या ये 2 गोली लेगी तो खाना अपने आप सुधरने लग जाएगा, इतने विश्वास से मैं कहता हूँ। जो खाना है खाओ, मतलब ऐसे नहीं कि मन मुराद, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट ये औषध लेने के बाद अपने आप ही खाना सुधर जाएगा, अभी जो खाना खराब हुआ है
जो खाना भोजन खाना मतलब आंखों से खाना, कानों से खाना, त्वचा से, मुंह से, जीभ जिह्वा से, नाक से खाना सूंघना बराबर योग्य ही हो जाएगा सात्विकता की ओर। ध्यान में अपने आप सात्विकता उभरेगी, गीता पढ़ेगी तो अपने आप गति मिल जाएगी। यहाँ पर भगवान भी कहते हैं उसका महत्व, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति। इतना बड़ा सत्य कह दिया भगवान ने, अंदर में ही दर्शन कर लेगा, ध्यान करेगा तो पश्यन्ति देखेगा, देखते हैं केचिद आत्मानम आत्मन। कितने लोगों ने कहते हैं केचिद, इन्होंने ध्यान में दर्शन कर लिया, आत्मनाम आत्मना अपने से अपने द्वारा अपने। छठे अध्याय में ध्यान योग आत्म संयम योग में आया था, आत्मने आत्मनो बंधु आत्म एव आत्मना, अपन खुद ही अपना मित्र भी और खुद ही अपना शत्रु भी है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुर आत्मना, रिपु मतलब दुश्मन शत्रु, षड रिपु कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी, जो इनको छह शत्रु कहते हैं। और कितनी बेअकल बन के बैठेगी वो शत्रु के साथ मिल जाते हैं, कामना इच्छा शत्रु है, मान पता है, सुना है, मानते हैं, और जाते किधर है, उधर ही जिधर कामना, शत्रु के घर में जा करके बार बार शेर के मुंह में मुंडी डालेंगे, एक आध दो बार माफ कर देगा, फिर से वो बौखला जाएगा तो बस दबा जबड़ा बंद कर देगा तो हो गया, नारियल बधेड़ जाएगा। उधर ही उधर क्यों जाना शत्रु की ओर, कामना कामना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, क्रोध पता है आग है जलाएगी, जिसको भी आग लगाया वो पहले जलता है कि नहीं, होली के पहले माचिस माचिस को लगाया, अभी तो होली तक ले भी नहीं, फटाके तक लेके भी नहीं गई, पहले कौन जलेगा माचिस की वो लकड़ी, क्रोध जिसमें आया वो तो बाद में तो पेड़े दही खा रहा है, उसको पता चलेगा नहीं खाएगा, लेकिन पहले अपना हृदय जलेगा। तो शत्रु है ना जो जला रहा है, आग लगाते वो शत्रु थे ना, तो अपनी 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 शत्रु बन रहे क्रोध करके। लोभ को शत्रु मान लिया है, सुना है, सबने बताया है, फिर भी, और अक्लमंद भी है, ये कैसे? तो ये बात अपने आप अपने मन से विवेक से सोचकर, कल के सत्र में, कल लाइव गीता योग का, वहां पर एक बहन ने आकर के बाद में अलग से शांति से कहा कि पिछली बार मतलब कल वाले ने, उसके पहले सैटरडे के उस बार जो बात कही थी वो बहुत मन को भागे, उससे क्लैरिटी आ गई और उसमें पक्का भी अभ्यास चल रहा है, तो इसलिए फिर से मैं उस बात को कह देता हूँ। मैंने शायद यही यहाँ भी कही होगी, लेकिन कहता हूँ किसी को अगर फायदा हुआ तो हो सकता है दूसरे को भी वो दवाई लग सकती है, चल सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि शास्त्रों में आता है कि विवेक की बात आती है, इस श्लोक को जुड़कर ही है, इसलिए रेलेवेंट नहीं है ये बात। विवेक से वैराग्य प्राप्त होता है, वैराग्य से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, और भक्ति से प्रेम। प्रेम हो गया कि काम हो गया, काम इतना ही करना है, प्रेम करना है ईश्वर प्रेम, सब पर प्रेम, लेकिन ईश्वर रूप से, है ना, शरीर रूप से नहीं, तो मेरा है, मेरा बच्चा है, इस रूप से नहीं है, तो मेरा है, पति है, पत्नी है, जो भी, ईश्वर रूप, ईश्वर प्रेम। कैसे? झाड़ के, वृक्ष के मूल को पानी देना है, वृक्ष के टहनी को, पत्ते को, फल को, फूल को पानी नहीं देना है, जरूरत नहीं है। अब मूल को मिलेगा तो सबको मिलेगा, क्योंकि पानी अंदर से जाता है, रस हो वही सहा, जिसके लिए कहा वेदों में कृष्ण, और जो रस जो है वो अंदर से जाता है, प्रेम अंदर से व्यक्त किया, सच्चा प्रेम अंदर होता है, बाहर बाहर से कितने भी गिफ्टे दो, कितने भी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करो, वो प्रेम जरूरी नहीं है, वो चापलूसी हो सकती है, ड्रामा हो सकता है,
अंदर से प्रेम बिल्कुल प्रकट होता है, व्यक्त होता है, समझ में आता है, आंखों से दिखता है। तो जब प्रेम हो गया भगवान पर, जब प्रेम हो गया, हरिओम अपर्णा, प्रेम हो गया तो सब काम हो गया, पूर्ण अनुभव हो गया। सबसे प्योरेस्ट प्योर लव इज द प्योरेस्ट नॉलेज, उससे ऊपर फिर बड़ा और कोई ज्ञान नहीं, भगवान ने कहा है, शुद्ध सात्विक प्रेम के आगे, उसके आगे कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो मैं हूं, भगवान कहते हैं। और बस मैं ही मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, इसी भगवद गीता के वचन है, मेरे आगे और कुछ नहीं है, कितना भी जाकर के देख ले, मैं ही मैं हूं। तो प्रेम कहाँ से आया? भक्ति से। पहले भक्ति 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 करने के बाद अपने आप प्रेम होने लगता है। भक्ति किधर से आया? ज्ञान के। भक्ति के बाद ज्ञान नहीं आता, ज्ञान से ऊंची है भक्ति। ज्ञान की माँ कहाँ है? जैसे मदर ऑफ ऑल कहते हैं, ये शास्त्रों में बातें आती है, शास्त्रों में भी और अनुभव भी है, दोनों है, वैलिडेटेड है, कंफर्म्ड है। शास्त्रों में तो मैंने बाद में पढ़ा, सच्ची बात कहता हूँ, पहले अनुभव बाद में शास्त्र। स्क्रिप्चर्स वैलिडेटेड माई एक्सपीरियंस विच इज रोबस्ट एंड सॉलिड, विच इज मोर कन्विंसिंग देन सेइंग ओ या आई रेड इन द स्क्रिप्चर्स एंड नाउ आई एक्सपीरियंस्ड इट, है ना। तो प्रेम भक्ति से, भक्ति ज्ञान से। ज्ञान किधर से आया? ज्ञान चाहिए तो पहले वैराग्य की आवश्यकता है, छोड़ने की तैयारी चाहिए, सागर की लहर को अपना सागर होने का ज्ञान चाहिए है, तो उसको अपने लहरपन छोटेपन को छोड़ने की जरूरत है, अपने विशाल विभु व्यापक सर्वत्र संपूर्ण का दर्शन करना है अपने खुद के, तो अपने ये लघु छोटा सा संकुचित मैं, मेरा मेरी इतनी मेरा उतना, वो छोड़ने की तैयारी अगर होगी, उधर ही प्रकट हो जाएगा बड़ा वाला संपूर्ण लहर लहर लहर, मैं लंबी हूं, मैं चौड़ी हूं, मैं इससे बड़ी हूं, मैं इससे छोटी हूं, मैं ये ज्यादा लंबी जा रही है, मैं जल्दी फूट जाऊंगी, ये तो मेरे तीन चार लहरें, मेरी छोटी छोटी लहरें, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो उधर ही सागर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो सागर ही है, अनुभव होगा। तो वैराग्य की आवश्यकता, लेकिन वैराग्य विवेक से आता है, इस विचार से, जैसा मैंने अभी कहा, सत असत विवेक बुद्धि, और रहस्य की बात, विवेक सबको देखे रखा है, विवेक सब में है, ये बात 10वें अध्याय में आती है, इतर शास्त्रों में भी आती है। विवेक मतलब समझ, बराबर क्या है, ठीक क्या है, 80-90% सबको सब समझता है, सीधी बात है। मनुष्य अगर है, कौन से भी जाति का हो, कौन से भी रंग का हो, कौन से भी मुल्क देश का हो, सबको सच, मेरे मेरा अनुभव है 80-90% सबको सच समझता है, वो विवेक है। और उसका उपयोग, उसका जो आदर करे विवेक का, अपने विवेक का जो आदर करे, जो धरोहर मिली है भगवान से, उसको संभाल के जो रखे, उसको बराबर अकल से उपयोग करे, तो उसमें से धीरे धीरे अपने आप वैराग्य जागृत होता है, अकल समझ में आता है। जितनी मात्रा में वैराग्य जागृत हुआ, उतना उतना ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। नहीं, जैसे जैसे बादल हटते गए, वैसा वैसा सूर्य प्रकट होने लगता है, सूर्य तो है ही, जितना जितना सूर्य प्रकट होने लगे, उतना उतना दिखाई दे, मतलब ज्ञान जितना जितना, उतनी उतनी भक्ति बढ़ती जाए, जितना जितना दिखाई दे, उतना उतना समझ में आए, जैसे भक्ति बढ़े वैसा प्रेम हो जाए, समझ में आ गया तो हो गया, है ना। बहुत मुश्किल क्या, समझ रहा नहीं है कैसे है, फिर निर्भय स्थिति, ऑल फियर इज फियर ऑफ द अननोन होता है ना, समझ नहीं आ रहा है तब तक लग रहा है मुश्किल। तो वो बहन कह रही थी कि ये बात बैठ गई कि विवेक मेरे पास है, मैं इसी से मेरा वैराग्य जागृत होगा, वैराग्य से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से प्रेम, सो नाउ आई हैव अ लाइन ऑफ साइट, आई एम एबल टू सी दैट आई कैन ऑल्सो मेक प्रोग्रेस ऑन माई ओन, आई कैन डू, आई कैन कमिट एंड आई कैन यूज माई रिसोर्सेज दैट आई हैव बीन एंडाउड विद, दैट आई ऑलरेडी हैव, दैट आई बीन गिवन। तो अम
वो ध्यान वाली बात है, ध्यान एन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना, अपना विचार अपन करके अन्य सांख्य न योगे ना, और कोई दूसरे होते हैं जो एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग से, सांख्य योग मतलब एनालिसिस, लॉन्ग एनालिसिस पैरालिसिस ना हो, मतलब उसको और थोड़ा सा समझ 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 के प्रयास कर करके डीपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग से हो सकता है। और कर्म योगे ने चाह परे सम डू थ्रू फ्लॉलेसली एक्सिक्यूटिंग सेल्फलेस टास्क परफॉर्म करके अपेक्षा रहित कार्य करके, फल की अपेक्षा न करते हुए कर्तव्य जो उससे भी धीरे धीरे अनुभव होने लगता है, कहते हैं इट लुक्स लाइक द ओके हिंदी स्टिल ऑन, या हिंदी स्टिल गुड। अन्ये तु एवं अजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चतिरन्त्येव मृत्युं श्रुतिः परायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों के से सुनकर भी तद अनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। तो अपना उपयोग करे तो ठीक है, नहीं तो भगवान कहते श्रद्धा से जो सुनते भी है, चौथे अध्याय में 34वें श्लोक में मेरी यात्रा गीता की यात्रा जिस श्लोक से हुई थी, पहला श्लोक मेरे हृदय में जो भिड़ गया था भगवद गीता का, उसमें कहा था श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेण अधिगच्छति। यदि श्रद्धा जिसकी हो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उसके साथ अगर कोई इंद्रियों पर संयम कर सके, श्रद्धावान और फिर तत्पर हो, कमिटेड हो, तो श्रद्धा कमिटेड डेडिकेटेड और सेल्फ रिस्ट्रेंट कंट्रोल, तो उसको वो परमानेंट लॉन्ग एंड्यूरिंग शांति मिल सकती है, जल्दी मिल सकती है। अधि गच्छति, अधि मतलब पहले, मराठी में कहते हैं ना आदि, वहां पर जाके गच्छति में उधर पहुंच जाता है जल्दी से। तो यहाँ पर जैसे भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप ना समझो ना समझो, संस्कृत आए ना आए, ध्यान लगे ना लगे, क्या कर्तव्य कर्म क्या नहीं, लेकिन सुन सुन कर भी प्राप्ति हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन श्रद्धा से जो सुने ते अपि दे आल्सो, अपि मतलब आल्सो मृत्युम श्रुति परायणाः, मरने से पहले वो भी अनुभव कर सकते हैं। सुन सुन कर भी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने प्राप्ति करी है। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र निसंयोगा तद्विद्य भरतार्षभ। 26वां श्लोक, हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। यहाँ पे कह यावत संजायते, ज जन्मवाचक है, यावत मतलब अभी तक, यहाँ पर जो भी जन्मा है, बड़े में बड़ा गुरु, बड़े में बड़ा संत महात्मा, बड़े में बड़ा गुंडा बदमाश, कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा आदमी औरत, सब जो भी जन्मा है यहाँ पर, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावरम जंगमम, स्थावर हो जंगम हो, मूवेबल इमूवेबल एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, चेतना सब में है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग, संयोग मतलब इकट्ठा साथ साथ में आ गए, मिल गए हैं थोड़े समय के लिए, जैसे नदी में दो पेड़ की लकड़ी थोड़े समय के लिए आती है साथ में चली जाती है, ऐसे ये थोड़े समय के लिए
जड़ और चेतन साथ में आए हुए हैं, क्षेत्र क्षेत्र ने संयोग तद विद्धि भरत अर्षभ, ऐसा समझ तत् विद धी धीम बुद्धि, अपनी बुद्धि से इस बात को समझ ले, जो भी बना है इसमें एक क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ मतलब एक जड़ प्रकृति मटेरियल इन अदर वर्ड्स मैटर है, वस्तु है, और एक उसको जानने वाला है अपने शरीर की ओर देखे। मटेरियल नहीं, इधर मैटर है, सब में पांचों है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पृथ्वी मतलब सॉलिडिटी, अपने शरीर में सॉलिडिटी है ना कुछ, ये तो नहीं तो ये खोपड़ी में ऐसी की तो आवाज नहीं आता था, सॉलिड है, लिक्विड तो है ही जानते हैं, तेज अग्नि है 98.5, कभी देखे ठीक हो तो इधर लगाया 98.5 नॉर्मल थी, बराबर नॉर्मल टेम्परेचर है, वो कहाँ से किधर से आता तेज, जठर अग्नि। भगवान ये भी गीता में बात कही थी पहले, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम चौथे अध्याय में तेहि मा श्रुता, मैं वो वैश्वानर अग्नि रूप से बैठा हूँ पेट में, और जठर अग्नि, जठर मतलब वो इंटेस्टाइन, एंड आई रेगुलेट द टेम्परेचर, प्राणी नाम देह माश्रिता, सभी प्राणियों में प्राणापान समायुक्त, पचामि अन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार के अन्न खाते, सॉलिड भी खा लेते हैं, लिक्विड भी खा लेते हैं, मिक्स्ड भी खा लेते हैं, एकदम ड्राई भी खा लेते हैं, जो भी वेट, तो भी सबको बैलेंस और मॉडरेट रेगुलेट करके बराबर उसको मैं रखता हूँ अंदर में बैठ के सब प्राणियों में सगनी को। तो ये पांच जो भी है, आकाश गंगा है, प्लैनेट्स है, ग्रह तारे, पत्थर पड़े आंगन में, ब्लेड ऑफ ग्रास है, अथवा वो मंडप पंडाल पे बड़े मंच पे महात्मा बैठे हैं, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, पूजे जा रहे हैं, अथवा ये कुत्ता सड़ा गला पड़ा हुआ है रास्ते पे, सब हमें ये है, दोनों है कहते हैं, एक मटेरियल है और दूसरा उसको जानने वाला है, जड़ चेतन। मात्रा कितनी है उसका प्राण है, पत्थर को भी अकल है, भगवान कह रहे हैं पत्थर में भी अकल है, लेकिन एकदम जड़ बुद्धि है, इसलिए एकदम जड़ी भूत हो गया कंडेंस्ड। पत्थर को अकल कैसे है, क्यों जिधर रखा है उधर पड़ा है, उसके अंदर वो एनर्जी और इन्फॉर्मेशन है, उसके उसमें मॉलिक्यूल्स है, उसमें एटम्स है, एटम्स में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स बराबर जिधर घूमना है जैसा घूमना उतना ही घूमना है, एक इधर जा रहा है दूसरा उधर, एक दूसरे में धड़ाक धड़ाक नहीं कर रहे है, तो मर जाते थे तितर बितर हो जाते थे, बराबर अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, पकड़ के रखा है उसके न्यूक्लियस ने, इलेक्ट्रॉन को भी अंदर में, प्रोटॉन अंदर न्यूट्रॉन को रखा है, और प्रोटॉन है, ये अकल कहाँ से आएंगे, ये किसने दी, पत्थर में है ना अकल, हीरे हीरे की अंगूठी पहनी, हीरे में भी अकल है, क्रिस्टल्स फॉर्म करके रखे, सॉलिड क्यों है, हार्ड क्यों है, हीरा सबसे हार्डेस्ट, क्योंकि वो एकदम टाइटली पकड़ के रखा है, जो प्राप्ति हुई इसको छोड़नी अभी अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, हीरा तो चम 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 चमक रहा है, ये सब अकल उसमें कहाँ से आए, उसको पता नहीं, उसको अकल है, हीरे को पता नहीं, पत्थर को पता नहीं, कोयले को अकल है, काले कोयले को, ये जब अपने अपने को जो चाहिए वो जब मिल जाए उससे ज्यादा मिलने लग जाए तो अपने पास जो छोड़ देना चाहिए, कोयला जलता है जब उसको लगा देते तो आग से, और दूसरे को अग्नि हीट दे देता है, जान छोड़ा देता अपना, कोयला भी उसे जन्म भर कोयला बन के बैठा था 10,000 साल से, थोड़ा सा किसी ने लगा दिया कृपा करके, तब फटाफट काम बना लेता अपने कोयले पने को छोड़ के मुक्त हो गया। इस ये तो मैं क्या इंटरप्रेटिव लैंग्वेज करा, लेकिन वास्तविक में साइंटिफिकली सब में अकल है, केमिकल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड्स है, आयनिक बॉन्ड्स है, एटॉमिक बॉन्ड्स है, बायोलॉजी है सब, तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह दिए इतना सहजता से, इतना बड़ा रहस्य कह दिया, स्थावर हो जंगम जो भी, इसी सब दोनों में एक क्षेत्र, एक क्षेत्रज्ञ भी है, मतलब चेतन भी है, जानने वाला भी है, लेकिन सोया कितनी मात्रा में है, जो एकदम गहरी नींद में सोया है कुंभकर्ण जैसा, नगाड़े बजाए तो भी नहीं उठेगा, तो
फिर वो मुश्किल है। लेकिन जो हल्का सा सोया है, जिसकी नींद करीब करीब हो ही गई है, उठने में ही है, वो ज्यादा मात्रा में चेतन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा अभी उठने में, उठेगा जाग जाएगा तो पता चलेगा अरे वास्तविक सत्य कुछ अलग ही था। अभी तक जो मैं देख रही थी, समझ रही थी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरी डिग्री, ऐसा वैसे सब सपना चल रहा था पगली। अभी उठ गई तो चल रहा, अरे ऐसा कुछ नहीं था, सत्य तो इससे बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, शिव है, मंगलमय है, सुंदर है, सत्य है। मैं ये छोटे से भी इसमें फंसी थी। तो जितनी मात्रा में चैतन्य उतनी मात्रा में जागरूकता, लेकिन है सब में। इसलिए निंदा किसी की नहीं, घृणा किसी की नहीं, बुराई किसी की नहीं, एक्सक्लूड किसी को नहीं किया इस धर्म में, इस ग्रंथ में। ये भगवान जो है अपना, ये इंक्लूसिव है, सबको लेके चलने वाला भगवान है, छोड़ने वाला, चाट छूट इधर नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं वाला नहीं, ऐसा भी वाला भगवान है। दैट्स वाई दिस इज सो ब्यूटिफुल, दैट्स वाई दिस वन वॉज इंक्लूडेड इन इट, नहीं तो मेरे लिए जगह नहीं थी। तो आज का आखिरी श्लोक करते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सम अविनश्यत्वम यः पश्यति स पश्यति। तो फॉर्मूलेक है ये, थोड़ी कोड लैंग्वेज जैसा है ये चैप्टर। जो पुरुष अथवा जो साधक कह सकते हैं, यहाँ पर भगवान ने पुरुष नहीं कहा, ये भाषांतरकार ने कहा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जो साधक नष्ट होते हुए सब चर अचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव में स्थित देखते हैं, वही यथार्थ देखते हैं। तो फिर लेट मी स्लो डाउन। समम सर्वेषु भूतेषु सर्व एषु भूत एषु, क्या सर्व मतलब जानते हैं सब, भूत मतलब जो आकारधारी है, फॉर्म्स, ऑल फॉर्म। भूत को संस्कृत में जैसे रूप कहते हैं, जिसका भी रूप है उसको एनिमेटेड फॉर्म इज कंसिडर्ड अ भूत, है ना। फॉर्म तो समम इक्वल, द सेम, इक्वल भी नहीं, द सेम, सेम शब्द ही सम से आता है, एस सम को कैसे लिखे, एस एम, और सेम का क्या स्पेलिंग है, एस एम ही। समम सर्व एषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वर, तिष्ठ मतलब खड़ा है, कौन, परम ईश्वर, ईश्वर के आगे वाला ईश्वर, महा ईश्वर, परमेश्वर खड़ा है, तिष्ठन्तम्। खड़ा का क्या मतलब है, सतर्क है, दक्ष है, सावधान, सावध है, वो सोया नहीं है। हम जब सोते हैं सपना देख ले, हम सोते, वो नहीं सोता है, वो सोता तो सांस नहीं अंदर आती थी, वो नींद में मर गए कहते, फिर सो गए, बाद में उठी नहीं, मतलब सांस एक बार गई तो वापस आई नहीं, फिर वो खड़ा था, वो निकल गया, अभी खड़ा है, सतर्क है। हम तो सोच भी नहीं रहे सांस के बारे में अभी, ना अगली सांस मतलब वो मदर इन लॉ वाली नहीं, उसके बारे में शायद तो सोच भी ले, लेकिन अपनी जो सांस माँ कहे इसको, सांस क्या कहे, हर 6 सेकंड बाद अंदर आती है, ब्रथ मैया आती है, ध्यान भी नहीं है फिर भी रहती है, फिर से आती है, ध्यान नहीं है, वो सतर्क है, सावध है, उसको पता है अगर ये ध्यान दे ना दे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसको उठा के ले जाएंगे सीढ़ी पे डाल के। तो सावध है, सावधान है, सतर्क है न? तो तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, इतना दयालु कृपालु है भगवान, बिना समझे भी साथ निभा रहा है, साथ में है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सम अविनश्यन्तम्। ये विनाश होते होते हुए भी अविनाशी, ये शरीर का विनाश होने से पहले ये मैटर मटेरियल जो है, जड़ जो है, ये खत्म होने से पहले जो अविनाशी का दर्शन, पश्यन्तम् मतलब देख लेते हैं, इसमें जो अविनाशी है उसका जो दर्शन कर लेते हैं, यह पश्यति स पश्यति, वो भगवान को प्राप्त देख लेते हैं।
जो साधक नष्ट होते हुए सब चर अचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखते हैं, वह यथार्थ देखते हैं। समम सेम, जो समुद्र किनारे खड़े हैं सागर की ओर देख रहे हैं, हजारों लोग बीच पे जाते हैं, कोई बियर बॉटल लेके, कोई बारबेक्यू कर रहे हैं, कोई आधा नंगा करके इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कोई पानी में धमाधम नाच रहे कूद रहे हैं, कोई छाते के नीचे बैठ के कोई किताब पढ़ रहा है, कोई रेती का किला बना रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे। सब सबको तो पता है सामने सागर है, यहाँ सागर पे लहरे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एवरीवन जिन्होंने सागर देखा उन्होंने खाली वेव टॉप्स देखी, लहरें देखी, उसको सागर समझ लिया। वो तो उसका चमड़ा है, सागर का चमड़ा है, वो चमड़ी है, स्किन है, तो ऊपर ऊपर का है। और लहरें देखी, लहरें समझी, बस उतना ही समझा। लेकिन जो लहरों लहरों में, हर लहर में देख लिया जिसने कि जो उठ रही है, गिर रही है, उठ रही है, गिर रही है, इस सबों में वो सागर का ही जल है, इस सारी की सारी सागर में ही है। सूक्ष्मता से अभ्यास करे कि देख, अब ये लहर नहीं, अभी आएगी, यहाँ पर आएगी, बनेगी, और आएगी कहाँ से, जिधर पानी था उसी से बना वो पानी, अभी जो है वो क्या है, फिर वो पानी ही है, अभी ऊपर चढ़ रही, ऊपर चढ़ रही, बहुत मजे में मस्त, अभी बड़ा प्रमोशन हो गया, बड़ा मकान हो गया, बड़ी डिग्री हो गई, ओ व्हाट गोज अप मस्ट फॉलो, अभी ये धड़ा नीचे नीचे आ रही है। अच्छा, ऊपर जा रही थी तब भी पानी थी, ऊपर है तब भी पानी ही है, जिधर से वो बनी थी, नीचे आ रही तब भी पानी है, वो पत्थर सामने तक गिर गई और एकदम हजार टुकड़े हो गए, छोटे 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 छोटे, नष्ट भ्रष्ट। लेकिन हर थेम, हर बूंद की ओर ध्यान से देखा, अरे वो तो कोई कोई बिगड़ा नहीं, कोई फूटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, वैसा का वैसा जिधर से। अच्छा, और आगे सूक्ष्मता से देखा, वो सारे थेम्ब जो है उसके बूंदे फिर से उसी जल में मिल गए, उधर अभी लहर नहीं थी, वो फिर से बनने लग गई, फिर से वही, चलो वो जल सागर ही था, सागर ही है, सागर ही रहेगा, हर लहर सागर से थी, सागर में थी, सागर ही थी है। ये जैसे वो सूक्ष्म दृष्टि से समझ लेंगे उसको लेकर के, फिर हर जगह जब ऐसी दृष्टि जब बन जाएगी, वो उदाहरण लेकर के, होता है, होगा, हो सकता है, तो फिर भगवान कहते कि मैं पकड़ में आ जाऊंगा, समझ में लगेगा मैं ही सब में कैसे हूं, मैं ही हूं, ये वास्तविक सत्य है। अगर सागर कह दे सबके ओर, कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपने अपने रथ है, अपने अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रहता है, कोई किले बना रहे, कोई छाते में बैठे है, नीचे बैठे, कोई कनिस कॉर्न खा रहे हैं, कोई कुछ भूस दारू पी रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये ऐसा, लेकिन ये समुन्द्र है, जाके मजा करके चले आए वापस, लेकिन इसलिए दुखी हो रहे, फिर से वेकेशन झक मार के आना पड़ रहा है, चलो फिर से गोवा जाते, फिर से केरल जाते, क्यों, एक बार गए तो हो गया ना काम, होना परमानेंट वेकेशन हो जानी चाहिए थी। इसलिए ऐसे इस प्रकार से एक बार जो सूक्ष्मता से समझ ले इस बात को, इसलिए बाद भगवान ने कहा था प्रिस्क्रिप्शन क्या, ध्याने न आत्मने पश्यन्ति, शांत चित्त होकर रोज थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, तो ऐसी क्लैरिटी आने लग जाएगी, इतनी गति मिल जाएगी, दिशा तो मिली है, गीता ने दिशा दी है, गति हमें लेनी होगी। दो ही बातें आवश्यक है साधना में, एक दिशा और एक गति। गुरु का महत्व इसलिए होता है कि गुरु दिशा देते हैं, जो दीक्षा कहते हैं ना, मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा, वो दिशा से आता है, दिशा दे दी वो गुरु ने, बता दे उधर जाना, इधर उधर मत भटकना, उधर में मिलेगा तेरे, जो सो जो चाहिए 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 कर रहा, मर रहा है, तड़प रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, वो इधर उधर कुत्ते के समान में भोगता भागता मत रहा, इधर उधर नहीं मिलेगा, तड़पेगा, मर जाएगा, उधर जा, दिशा दे, बस उधर है, चले धक्का मार के भगा दिया गुरु ने, पूरा काम कर दिया अपना, गुरु ने तो, गुरु देने वाले ने तो दे दिया, अब गति लेनी पड़ेगी ना अपने को उधर जल्दी, ये शास्त्रों की बात है, गति ध्यान से आती है, तो दिशा ने
गीता ने दिशा दिखा दी किधर है, किधर क्या है, अंदर है दिखा दिया गीता ने, उधर नहीं है बाहर, किधर नहीं है बोल दिया, इधर अंदर में ही है। तो फिर अंदर जाना पड़ेगा ना, गति लेनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान, थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, है ना। तो आज बराबर समय हो गया अपना, अगले समय 28वें श्लोक से साधक नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखते हैं, वही वास्तविक में सत्य का दर्शन करते हैं। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट इन 28। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितः ईश्वरम्। 9:30, तो एक 5 मिनट थोड़ा हल्का सा ध्यान करते हैं अभी। लेस गाइडेंस मोर प्रोसेसिंग। आई वुड एनकरेज यू टू जस्ट ट्यून इन, जो सुना अपने ही मन में अपना विचार करें थोड़ा, और उसके बाद एक 5-10 मिनट थोड़ा शेयरिंग विद ईच अदर, व्हाट डिड यू पिक अप फ्रॉम टुडेज रिफ्लेक्शन। पर्सनली अपने काम की क्या बात थी, जनरल बातें नहीं कहना कि गीता में ऐसा कहा है, भगवान ने वैसा कहा, ये तो हो गया ना, अभी 1.5 घंटा तो वही चल रही थी पोती। अपने काम की क्या बात, व्हाट्स द वन थिंग दैट स्ट्रक अकॉर्ड विद मी, व्हाट्स द वन अदर थिंग दैट रियली मेड सेंस टू मी, एंड द सेकंड क्वेश्चन विल बी हाउ कैन आई यूज इट इन माय पर्सनल लाइफ विद द प्रॉब्लम दैट आई करंटली हैव। ये थोड़ा सा एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे ताकि वी एनकरेज ईच अदर, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग हियर एंड देन स्टार्ट, गिव यू अ फ्यू मिनट्स टू थिंक एंड प्रोसेस योरसेल्फ।